मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शिवराज ने एक घंटे से अधिक मुलाकात के बाद एक तस्वीर साझा की जिसमें वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज ने इस तस्वीर के साथ लिखा है, सेवा ही संकल्प है। शिवराज ने मुलाकात के बाद इस बात का सीधा जवाब तो नहीं दिया कि उनकी नई जिम्मेदारियां क्या होंगी, लेकिन उन्होंने कुछ संकेत जरूर दिए हैं। आज भेंट करने आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है, उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जाए, जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहां रहूं ये कभी नहीं सोचता, मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। दरअसल सियासी जानकारों की माने तो शिवराज नड्डा की कुर्सी खिसका सकते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है और शिवराज की लोकप्रियता लोगों में बिल्कुल कम नहीं हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत के बाद भी शिवराज को सीएम की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन मामा की लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं दिखा है और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से ये संकेत है कि शिवराज को जल्द एक नई और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से सौंपी जा सकती है और नड्डा से मुलाकात इसका एक बड़ा संकेत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।